सो हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, वीडियो के प्रीव्यू में आपने जो रील देखी, उस टाइप की रील वीडियो अभी के टाइम पर इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। जो भी इस तरह की रील वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर रहा है, उनकी रील वीडियो वायरल हो रही है। तो आज के इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि उस टाइप की रील एडिटिंग आप कैसे कर सकते हो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस तरह की रील एडिटिंग सीखने के लिए आपको वीडियो लिप एप्लीकेशन चाहिए। तो वो आपको डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। देन यहाँ पे आपको वीडियो लिप सर्च कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे आपको ये वाला एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको हम फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गाइज, एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद में आपको इसको ओपन कर लेना है। सो ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन पे टैप कर देना, यानी यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ स्किप कर देना एंड यहाँ पे आपको वापस से स्किप करना ऊपर की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे आपको अपनी जीमेल ऐड करनी होगी। तो आपको नीचे की तरफ कंटिन्यू विद ईमेल वाले बटन पे टैप करना एंड यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ऐड कर देनी है। तो सिंपली मैं अपनी ईमेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो गाइस, ईमेल ऐड करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का ये इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको ऊपर एग्जिट वाले बटन पर टैप करना एंड यहाँ पे ये हट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि आपकी इसमें ईमेल ऐड करनी है तो ये एप्लीकेशन काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ईमेल ऐड कर लेनी है एंड यहाँ पे आपको आ जाने के बाद में नीचे की तरफ प्लस वाले आइकन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले बटन पर टैप करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अपनी गैलरी में से जो आपको अपनी फ़ोटो में AI अवतार चाहिए, तो सिंपली आपको उसको फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है। मतलब सेलेक्ट करके आपको नीचे ऐड है, आपको नीचे की तरफ ऐड टू प्रोजेक्ट वाले बटन पे टैप करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको वेट करा सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। देन यहाँ पे आपके सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये फोटोज़ आ चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। सो गाइस, आपको इनमें फोटो के अंदर हॉरर इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको फोटोज़ के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ AI इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड नीचे की तरफ आपको AI सीन वाले बटन पर टैप करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये फर्स्ट वाले को हम अप्लाई कर देते हैं एंड यहाँ पे ये लोडिंग लेगा 100% का। तो आपको इसको 100% होने देना है। सो गाइस, 100% कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे हमारी फ़ोटो AI अवतार में आ चुकी है, जैसे कि देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपनी जितनी भी फ़ोटो है, तो सिंपली आपको अपनी फ़ोटो पे टैप करना है। देन नीचे वापस से AI इफेक्ट पे टैप करके AI सीन पे टैप करना एंड इनमें से आपको जो पसंद हो वो आप लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से हम सारी फ़ोटो में ये फटाफट कर लेते हैं। सो गाइस, सारी फ़ोटो में ये अप्लाई हो चुका है इफेक्ट, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको ये कर लेना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ एंड यहाँ पे आपको कैनवास वाले बटन पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे टैप करके आपको यहाँ पे 9:16 इस वाले रेशो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये कर लेना। सो गाइस, ये करने के बाद में आपको ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट सेटिंग पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको 1080 कर देना है इसको एंड इसको स्टार्ट कर देना एंड बैक आ जाना एंड इसको आपको नीचे की तरफ सेव वीडियो वाले बटन पर टैप करके वीडियो को आपको सेव कर लेना है। तो इसको हम फटाफट अपनी गैलरी में सेव कर लेते हैं। सो गाइस, वीडियो सेव हो चुका हमारी गैलरी में। गैलरी में सेव होने के बाद फ्रेंड्स, आपको VNA एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड कर रहे हो तो इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करके न्यू प्रोजेक्ट पे आपको टैप करना है एंड आपको वो उस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है जो आपने अभी एक्सपोर्ट करी है वीडियो लिप एप्लीकेशन में। तो सिंपली सिलेक्ट कर लेना उसको। देन नीचे की तरफ आपको एरो वाले बटन पे टैप करके वीडियो को ऐप के अंदर ऐड कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो। तो वीडियो आ चुका है इसके अंदर, तो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स, आपको वीडियो के एंड में आना है, यहाँ पे इसका बॉटम आर देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको नेक्स्ट काम करना होगा, इसके अंदर आपको ऑडियो ऐड करना होगा। तो ऑडियो ऐड करने के लिए फ्रेंड्स, आपको ऊपर की तरफ टैप टू ऐड स्टिकर वाले बटन पर टैप करना है एंड यहाँ पे आपको वीडियो एंड फोटो वाले बटन पर टैप करके अपनी गैलरी में से उस वाली रील को सिलेक्ट करना है जिसमें ये ऑडियो हो
तो सिलेक्ट कर लेना है उसको। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स ये रील आ जाती है हमारी इसके अंदर ऐप के अंदर, तो सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो गाइस यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक बटन मिलता है एक्सटर्न ऑडियो, तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है, तो इस रील में से साउंड कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको इस रील को डिलीट कर देना है। ओके, तो इसमें साउंड आप ऐड हो जाएगा, तो ये कर लेना। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट काम करना हो, आपको वीडियो के एंड में आना है, यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे टैप करके वीडियो एंड फोटो पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से अपनी जो नॉर्मल पिक है जो आपने एआई इफेक्ट दिया था उनकी नॉर्मल पिक को आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी पिक आपकी, तो सिंपली आपको पिक को सिलेक्ट कर लेना है एंड नीचे आपको एरो वाले बटन पर टैप करके फोटोज़ को ऐप के अंदर ऐड कर लेना जैसे कि देख सकते हो। सो फ्रेंड्स यू होने के बाद में आपको नेक्स्ट काम करना हो, आपको ये जो हमारा वीडियो है शुरू में हमने जो वीडियो ऐड करा था एआई इफेक्ट वाला, तो सिंपली आपको अपने वीडियो को प्ले करके देखना है कि हमारी ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें वीडियो में एंड ये जैसे कि देख सकते हो तो ये सेकेंड इमेज है, तो आपको सिंपली इनके बीच में एक स्प्लिट ऐड करना है। तो यहाँ पर आप स्टॉप करके स्प्लिट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से आपको अपनी ये सारी पिक को देख लेना है। जैसे कि देख सकते हो ये दूसरी इमेज है एंड ये दूसरी इमेज है। ओके, तो यहाँ पे आपको इसके बीच में एक स्प्लिट ऐड कर देना है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे करके इसको एक स्प्लिट ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है। ओके, वापस आपको देखना है कि दूसरी इमेज कहाँ है एंड यहाँ पे आपको स्प्लिट कर देना है, कुछ इस तरीके से आपको ये स्प्लिट कर देना है। ओके, सो स्प्लिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट काम करना, आपको ये जो फर्स्ट इमेज है हमारी, तो सिंपली आपको इसकी जो नॉर्मल पिक है तो सिंपली आपको पीछे की तरफ आना है जो आपने ये ऐड करी है पहले, तो इनमें से आपको जो उस वाली पिक को देख लेना कि कौन सी इमेज है, तो सिंपली आपको इसको होल्ड करके रखना है एंड यहाँ पे आपको इसको इधर पीछे की तरफ ले आना है एंड यहाँ पे आपको इसको लगा देना कुछ इस तरीके से। ओके, जैसे कि देख सकते हो ये लगी नहीं है, वापस एक बार के लिए लगा देते हैं, होल्ड करके रखना है आपको एंड यहाँ पे आपको पीछे की तरफ इसको ऐड कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको इसको कर देना। जैसे कि देख सकते हो ये नॉर्मल पिक है एंड ये ए इफेक्ट है, एआई इफेक्ट है, तो कुछ इस तरीके से ये आपको सारी इसके अंदर एडजस्ट कर लेनी है जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको एडजस्ट कर लेनी है। तो गाइस आपके जो फर्स्ट पीक है वो आपकी नॉर्मल पीक होनी चाहिए एंड जो सेकंड पीक है आपकी वो एआई इफेक्ट वाली होनी चाहिए, देन इसके बाद में आपको नॉर्मल पीक, ओके, देन इसके बाद में आपको एआई इफेक्ट वाली। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारी इमेज अपनी कर लेनी है, तो ये मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो गाइस ये होने के बाद में आपको नेक्स्ट काम करना, आपको अपनी जो फर्स्ट इमेज है सिंपली आपको इसको छोटा कर देना। ओके, कुछ इस तरीके से आपको इसको छोटा कर देना एंड जो सेकंड पीक है आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, जो आपके फर्स्ट पीक है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको स्प्लिट करना है, मतलब आपको सबको पीक को जितनी भी पीक आपकी सबको छोटे छोटे भाग में आपको कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको कर देना, मतलब छोटे छोटे भाग में आपको इसको ऐड कर देना, कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है इनको सबको छोटे छोटे भाग में, तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं। सो गाइस हमारी सारी फोटो स्प्लिट हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो ये नॉर्मल पिक है, ये एआई इफेक्ट वाली है, ये नॉर्मल, ये एआई इफेक्ट वाली है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये एडिटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले एरो पर टैप करना है एंड नीचे एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगा।